मुझे पता है मैंने कैसे मामला संभाला था, बहुत कोई जगह नहीं है यहाँ। चलो पूरा दिल्ली। तो गाइस हम सारा संभालने आए हैं। गाइस देखो ऐसा कुछ नहीं लग रहा कि कोई बैठा हुआ है। ये हेलो फ्रेंड्स, गाइस आज हम बनाने वाले हैं किचन रूम, वो भी हमारे फार्म हाउस में। तो गाइस हमने बहुत अच्छा मौका ढूंढ लिया है, पापा घर पे नहीं है और हम बनाने वाले हिडन रूम, वो भी फार्म हाउस में। गाइस हमने पिछली बार जब हमने हिडन रूम बनाया था हमें तो बहुत ज्यादा डांट पड़ी थी, लेकिन इस बार हमें इतनी डांट नहीं पड़ने वाली है बिकॉज पापा घर से बाहर गए हुए हैं और मम्मा हमारी टीम में है। मम्मा घर पे और वो हमको हेल्प करने वाली है। गाइस मेन पॉइंट ये है, सीक्रेट रूम बनाए यहाँ पे। गाइस वो तो हमें सोचना पड़ेगा, लेकिन हाँ मम्मा हमारी हेल्प करने वाली है। तो मम्मा के पास चलते हैं, उनसे आइडियाज लेते हैं हम कहाँ पे बना सकते हैं। ध्यान से गिरना नहीं। क्या प्लानिंग चल रही है फिर? ओके मम्मा, तो हमने डिसाइड किया है कि हम बनाने वाले हैं सीक्रेट रूम, वो भी फार्म हाउस। ओह माय गॉड, हमारी टीम में होगी और आपको हमारी हेल्प करनी पड़ेगी। इतना सीरियस मैटर, इधर आओ, पास आके बात करो। यहाँ पर अगर किसी ने सुन भी लिया ना सीक्रेट रूम के बारे में, भाई साहब तुम्हारे साथ साथ मुझे भी डांट पिटेगी। पिछली बार ये पता क्या हाल हुआ था? पापा बहुत गुस्सा हो गए थे। मुझे पता है मैंने कैसे मामला संभाला था बॉस। He was so angry. बाल पे मत चढ़िया शनाया, सॉरी सॉरी सॉरी। देखा डांट के नाम पे ही सीरियस मैटर चलना शुरू हो जाता है। तो क्या करना है मम्मा? मेन पॉइंट है बनाए तो बनाए का। बनाए कहाँ? बाहर बनाए, वहाँ पे उस एरिया में आते हैं। बाहर तो डांट पड़ेगी, लेकिन ढूंढते हैं ना भाई जगह। भाई थोड़ा दिमाग पे जोर डालो, ऐसी जगह जहाँ पापा गुस्सा ना करे। मैं पहले बता रही हूँ, सोचो क्या हो सकता है। ये तो पूरा गार्डन हो गया। मम्मा इधर बना सकते हैं। नहीं नहीं नहीं, एंट्रेंस पे नहीं यार। तुम लोग सोच लो कि पापा जहाँ ना डांटे। मम्मा देखो अगर सेंस बात करे तो पापा बाहर से डांटेंगे। यहाँ सेंस वाली कोई बात नहीं हो रही, सीक्रेट रूम बनाना कोई सेंस वाली बात नहीं है, तो सेंस वाली बात हम नहीं करेंगे। उसके अलावा बात करो तो डांटा पिटे कहाँ जाए, कहाँ बन सकता है यार? आसमान में? नहीं नहीं पेड़ पे, उधर अनान्या को हम चढ़ाएंगे। अनान्या सीक्रेट रूम पेड़ पे बनाना चाहती है सीक्रेट रूम। इसका इसका कुछ करो, इसका दिमाग देखो है। चढ़ भी जा पेड़ पर। मुझे ऐसा लग रहा है पानी में छुप जाते हैं। मुझे ऐसा लग रहा है शाम हो गई है और मैं तुम लोगों को बाहर नहीं छोड़ सकती। पापा बहुत गुस्सा करेंगे। ऊपर चल के आओ, ऊपर चल के आओ। तुमने करना है तो घर के अंदर करो, इंडोर। घर के अंदर? कहाँ घर के अंदर? चलो वहां जाके देखते हैं, अंदर देख लो। बाहर तो अंधेरा हो जाएगा तो फिर हम क्या करेंगे? चलो थिएटर में चले। खोलो हटो हटो मम्मा, शाम में और पापा भी आ सकते हैं। अब तो जल्दी करो ना, एक्शन में आओ। फिर इसको और आना पहले दिन सबको वो कर।
भाई बंदे की बैठने की जगह भी तो होनी चाहिए, इसको ऐसे सीधा कर दिया। दिख जाएगा ना मम्मा। बस इतना बस, ये ऐसे होगा, ऐसे बंदे बैठे जाएंगे। ओके फिर उसको कर दो। अरे फिर मैं कैसे सेटाऊंगी? हमारे ऊपर हमारे ऊपर हम ले जाएंगे नीचे। मां आप उधर रहना भी नहीं, आप तो वहां बाहर जाओगे पापा के पास। बाबू ठीक है, मैं क्यों सेटिंग कर रही हूं? आई नो, वैसे हम तो ऐसे भी रह जाएंगे। ठीक है तुम अपनी सेटिंग करो यार। ये ना क्या मैं बचाना है, काम करना है कि जब हम लेट जाएंगे हमारे पास ब्लैंकेट डाल देना। नहीं ब्लैंकेट नहीं, ब्लैंकेट ये पापा बैठते हैं। ठीक है पहले से सेटिंग करके देखो होती है कि नहीं। ओके ओके लाइट डाउन है ऐसे। ओ ये बढ़िया। अरे यार मैं भी हूँ, ऐसे मत करो। मैं भी इधर भाई रिक्लाइनर तोड़ मत देना, पापा बहुत गुस्सा करेंगे। सुनाया टाइयर है मैं रबड़ लेके आई, ट्राई करती हूं अपने। आई हैव इट एंड आई एम बर्न। सियान तो सेट हो गया, मैं भी हो जाऊंगी। मैं बाहर चेक करके आती हूं, सब नहीं खाए तो नहीं जाओ चेक करो। तो गाइस ये हो रही है फाइनल सेटिंग, हम कैसे लेटने वाले हैं। सो सियान सियान मैं दादी बिल्कुल से सही है, चुटकी तो चाहिए होगी मम्मा। हां सामान ले आते हैं। हां जी मैं खाने के लिए ला रही हूं, मैं आएगी यहाँ पर, उसके बाद मम्मा हम पर ब्लैंकेट डाल देगी, फिर आई गेस आई होप पापा को पता ना चले। मैं आ जाती हूँ अंदर। यार थोड़ा सा आगे आना, पीछे से दिख रही है ये, तो नहीं दिख रहा है। फोल्ड कर जैसे मेरे फोल्ड कर ऐसे। तो गाइस अब हमारा फाइनल पोजीशन हो गई है, मम्मा कुछ खाने पीने के लिए लेने गई है। आउच अब यार लगने का बहुत ज्यादा चांस है क्योंकि हर जगह कुछ कुछ है। अब जो आईडिया मेरा था सेंस, ओह माय गॉड, अब हमको बहुत ज्यादा देर तक रहना पड़ेगा। आई डोंट नो पापा कब आएंगे। आई होप पापा हमें ढूंढ ना पाए और हमें डांट भी बहुत कम पिटे। तो मैं पिटने वाली हूँ, ऐसी फीलिंग आ रही है मुझे। भाई भाई हम पास कर जाए प्लीज, ये पापा हार मान जाए प्लीज, हम पास कर जाए, पिछला तो हार गए थे। तो अब हम जाके फाइनल पोजीशन सेट कर लेते हैं। भाई रमनीक आने वाले हैं, जल्दी एक्शन में आ जाओ। यस क्विकली, मुझे रमनीक का कॉल आ गया, फाइव मिनट्स में यहाँ पहुँचे। अब तुम जानो तुम्हारा काम जाने, मैं तो बाहर चली जाऊंगी। यस मुझे मैं ऐसे यार ऐसे मत करो। वहाँ से जब तुम एंड लगे तो पता नहीं चलना चाहिए, पता नहीं चलना चाहिए कि यहाँ कोई बैठा है। आई बात समझ में आ गई। इधर हो जाओ नानिया, प्लीज होके बैठो आस पास पास। मैं कंबल दे तुम्हारे ऊपर। पकड़ो पकड़ो पापा का फोन आ गया, जल्दी करो जल्दी। यहाँ ऊपर जा यार, चल ऐसे। हाँ बस ठीक है, तो क्या कर रहे हो? चल ये बाहर से चेक करो, नजर तो नहीं आ रहा। और तुम मत नजर आ रहे हो, तुम नजर आ रहे हो। चल उधर बस ठीक है, बताना नहीं किसी को। सो गाइज मैं शनाया और सियान यहाँ पे आ चुके हैं और हमने लगा लिया है यहाँ पे आते ही तारक मेहता का उल्टा चश्मा। तो फिर ओ माय गॉड ऐड आ गई। तो फिर अब हम वेट कर रहे हैं कि पापा कब आएंगे। हाँ और हमें भूख भी लग रही है, हम चिप्स खोलने वाले हैं अभी।
ये मैं खोलूंगी। गाइस हमें चुप रहना पड़ेगा यहाँ पे क्योंकि हमें कभी कुछ नहीं पता कि कब पापा आ सकते हैं, ठीक है। तो गाइस हम खोल चुके हैं चिप्स का पैकेट, इसीलिए बहुत भूख लग रही थी हमें। गाइस हमें बहुत ज़्यादा नींद आ रही है क्योंकि हम सुबह से इस पे लगे हुए हैं। सो अभी हम सोने वाले हैं और सियान यहाँ खेल लिया गेम और मम्मा पापा कब आएंगे हमें कुछ नहीं पता और पापा का क्या रिएक्शन होगा, पापा कहाँ कहाँ ढूंढेंगे, पापा कब आएंगे हमें कुछ नहीं पता। अब हम तब तक क्या करें क्या करें। मैं तो खेल खेलती हूँ बेटा, मजा आएगा। सुनाया हम बहुत ज्यादा कंफर्टेबल नहीं होगा यहाँ पे, बहुत से वोट भी मिल रहा है बंगर से। तो फिर एंड फिर अब देखो यहाँ पे कंबल वम्बल सब सेट हो चुका है यहाँ पे एंड देन सियान की गेम भी शुरू हो चुकी है, हॉट चिप्स भी चल रहे हैं और अब हम सोने लगे हैं। यस गाइस रमीक आने वाले हैं। ओह ओके शिट। हाँ जी, ये क्या हो रहा है? कुछ नहीं, मैंने सोचा आज मैं थोड़ी सी व्लॉगिंग कर लूं। हैं सारे काम हो गए? हाँ सब हो गए। कुछ खाना है? बच्चों को बुला रहा है। पहले बताओ कुछ खाना है? नहीं नहीं कुछ खाना, बच्चों को बुलाओ। बच्चे तो बाहर ही होंगे। बच्चों बाहर होंगे? मैं बाहर से आ रहा हूँ। अरे बाबा मैं तो शूट कर रही थी, मुझे नहीं पता बाहर ही खेल रहे थे तीनों। बाहर से अंदर आया हूँ, बाहर नहीं है कोई भी। सर रमीक बाहर ही है यार, वो अंदर घर पे नहीं है। मान ही नहीं रहे मेरी बात। अरे बाबा घर में नहीं है, अंदर बाहर खेल रहे हैं। मेरा शूट चल रहा था, मैं अपने रूम में थी और उन्होंने मुझे बोला था कि हम बाहर खेलने जा रहे हैं। तो बाहर से कहीं फार्म से बाहर थोड़ी जा सकते हैं, बाहर से ही मैं आया हूँ, बाहर कोई नहीं था। रमीक आप मुझे डरा रहे हो। डरा तू रही है मुझे, बाहर ही है जाओ देख कर आओ। मैं आगे से तो आया हूँ, देखो शायद पीछे हो। हाँ पूल साइड पे नहीं। अरे भाई बाहर ही है, मैं कह रही हूँ घर में नहीं तो है। जाते ही नहीं है खेलने यार, चले गए होंगे शायद। आप तो कैसे बातें करते हो यार, जल्दी जाओ देख कर आओ, मैं कह रही हूँ बाहर है। ओ माय गुडनेस फंस गई मैं तो बाबा रे, ये मैं ये बच्चों के चक्कर में मुझे डांट पड़ेगी आज। मैं क्या करूँ मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। मम्मा 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 लेट्स सी। मुझे बहुत डर लग रहा है, ये बंदा आने वाले हैं और तू कैमरा पकड़ के खड़ी है। बच्चे बाहर नहीं है, मजाक समझ रहा तेरे को? यार गुस्सा क्यों कर रहे हो, मिल जाएंगे यहीं होंगे और वो बाहर ही थे। अब मेरे पे गुस्सा नहीं करो ऐसे। मैंने अंदर आवाजें मारी हैं, बाहर आवाजें मार ली हैं, बच्चे नहीं है बाहर। बाबा मैं कैसे समझाऊं आपको यार, बाहर ही है, सुन ही नहीं रहे हो मेरी। तो ये कैमरा बंद कर फालतू के अंदर। कुछ नहीं है ना यार, बता मैं तो व्लॉगिंग कर रही थी। भाग रही हो, मैं गिर जाऊंगी, रुको यही है यार। रमीक आप कैसी बातें कर रहे हो, बाहर इधर उधर होंगे खेल रहे होंगे। मेरा तो हर चीज में मजाक है ना। मेरा मजाक है? कहाँ जा रहे हो? जा रहे हैं बच्चों को ढूंढ रहा हूं और मैं। अरे बच्चे बाहर ही होंगे ना यार, आप तो पता नहीं कैसी बातें कर रहे हो। मैं कह रही हूं कोई नहीं है और वो घर के अंदर है ही नहीं है, सुनते तो हो नहीं यार। मेरे को सांस चढ़ गए, सच सच बता दे कहां है बच्चे। रमीक मेरे को सच सच बता दे कहां है बच्चे। आप यार मेरे पे अननेसेसरी गुस्सा कर रहे हो। अच्छा पानी पियोगे, कुछ खाओगे, बैठ जाओ। बच्चे कहाँ हैं? शांति रखो। बच्चे कहाँ हैं? कुछ नहीं है, मैं बता रही हूँ आपको, कुछ नहीं हो रहा, बाहर ही खेल रहे हैं वो। मैं कुछ कहाँ है बच्चे? हंस रही है तू? अच्छा एक छोटा सा प्रैंक
छोटा नन्ना मुन्ना सा बनाएंगे, टेंशन वाली बात नहीं है, बच्चे हैं है। तो मुझे ही पता है कहाँ है। मैं हूँ तो बच्चे हैं, मगर मैं आपकी सिर्फ इतनी ही मदद कर पाऊंगी आज कि बच्चे बाहर नहीं है, घर के अंदर है, ढूंढ सकते हो। तो मैंने सारे कमरे देख लिए ना, कहाँ है बच्चे? सॉरी सॉरी बडी, आई कांट हेल्प यू बडी, सॉरी। मैंने आपको इतनी बड़ी हिंट दे दिया, एक और हिंट दे दूं? मेरा कोई गेम खेलने का मूड नहीं है, मुझे इसी टाइम बताओ बच्चे कहाँ है, मेरा कोई मूड नहीं है। मैं भी अच्छा देखो, एक सिंपल सी बात है, मैं आपको एक हिंट भी देती हूँ। जिस जगह आप बहुत टाइम स्पेंड करते हो, बस इससे ज्यादा मैं आपको कुछ नहीं बता सकती। लेना है लो, नहीं तो वहां तो कोई था नहीं, तो फिर क्या करेंगे उसका मतलब। अरे 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 सुन तो लो बाबा, सुनते ही नहीं। यहाँ तो कोई भी नहीं है। मैं भी तो यही कह रही हूँ, यहाँ कोई नहीं है। ये क्या? मेरा फोन है, मेरा फोन। हम तो इतनी देर से इनको ढूंढ रहे हैं यार बच्चों, ये पता नहीं कहाँ चले जाते हैं। इस वाले वीडियो में हमें डांट नहीं है और कहानी। बहुत गलत किया इन्होंने मेरे साथ, एक मिनट के लिए तो मेरी ऐसी तैसी हो गई थी, और ये सब हंस रहे हैं जब मैं आया हूँ। ये प्रैंक किस खुशी में किया तुमने मेरे पे? हमारा मन कर रहा था। हिडन रूम तो बनाया पिछली बार, तुम्हें पिछली बार याद नहीं मैंने कितना गुस्सा किया था? उस टाइम मम्मा भी थी और आप भी थी, लेकिन इस बार मम्मा घर पे थी। मम्मा थी तो तुमने मम्मा को साथ में ले लिया। इनको मैंने अगर हिंट दे दिया होता ये जिंदगी में नहीं भूल सकते। यहाँ पूरे होम थिएटर में गन डाल दिया इन्होंने यार, माय गॉड। चिप्स बहुत टेस्टी है, मतलब लुक एट दिस सामान, चिप्स के रैपर, ये देखो छोटा छोटा। गाइस यार ये मेरी बेस्ट जगह है जहाँ मैं रहता हूँ, सारा टाइम में मैक्सिमम टाइम यही स्पेंड करता हूँ। बेस्ट जगह तो फेवरेट जगह होता है, फेवरेट जगह। इन्होंने सारा गंद यही डाल दिया, इन्हीं से मैं साफ करवाऊंगा। ये वीडियो खत्म होने तो फिर मैं अपना असली जलवा दिखाता हूँ। चलो थैंक यू सो मच गाइज यार, और इन लोगों को मैं इनकी ऐसी करूंगा। अभी देखो तुम क्या क्या मैं करने वाला हूँ। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, और कॉमेंट करके बताना क्या क्या हाल करूँ मैं इनका। बाय बाय कर दो गाइज। थैंक यू सो मच वीडियो को पूरा देखने के लिए। बस ट्रिप स्टार्ट, अरे स्कूल जाना पड़ेगा, हम नहीं जाना। वीडियो लाइव हो चुका है हमारे चैनल RS मंत्री मंत्री व्लॉग्स पे। यार स्कूल जाना पड़ेगा, नहीं जाना। गाइस हम स्कूल गए या फिर नहीं गए ये देखने के लिए क्लिक 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 क्लिक, बहुत अच्छी वीडियो है, क्लिक 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 क्लिक।